पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री मनोज कुमार दुबे तत्कालीन कार्यपालन यंत्री सतना रहते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार करके योजनाबद्ध तरीके से लगभग 3.3 करोड़ की रॉयल्टी राशि खनिज विभाग का फर्जी दस्तावेज खनिज विभाग रीवा के नाम का पत्र बनाकर राशि का प्रमाणीकरण कर ठेकेदार के खाते में भुगतान कर दिया था। इस विषय को वीके माला एडवोकेट रीवा द्वारा शिकायत कर मामले को प्रकाश में लाया गया था। साथ ही आयुक्त रीवा संभाग, डीआईजी रीवा संभाग, प्रमुख सचिव भोपाल आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल को पत्र भेजकर जांच के लिए निवेदन किया गया था। इस गंभीर विषय को लेकर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा कलेक्टर सतना को जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीआईजी रीवा द्वारा भी पत्र जारी कर प्रकरण के बिंदुओं की जांच करने को पुलिस अधीक्षक सतना को पत्र भेजा गया है। वहीं सांसद सतना गणेश सिंह द्वारा पत्र जारी कर इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करने का पत्र जारी किया गया है। साथ ही कलेक्टर रीवा द्वारा सतना कलेक्टर को पत्र लिखकर रॉयल्टी की राशि जमा करने के लिए कलेक्टर सतना को पत्र भेजा गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अधिकारी द्वारा इस भ्रष्टाचार की शिकायत आपसे द्वारा की गई थी, क्या पूरा मामला है सामने में सामने आई? देखिए, लोक निर्माण विभाग द्वारा एक खनिज विभाग की जो गारंटी होती है, खनिज विभाग की रॉयल्टी राशि होती है, उस रॉयल्टी राशि की हमने एक शिकायत की थी। जो रॉयल्टी राशि को लेकर एक फर्जीवाड़ा हुआ था, फर्जी टेम्परिंग कोर्ट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार कर लिए गए थे, स्वयं आदेश बना लिया गया था और आदेश की रिप्लाई भी बना ली गई थी, जो रिप्लाई आदेश थी खनिज विभाग की, जो खनिज विभाग रीवा के द्वारा उन्होंने पत्र जारी कर बताया था कि यह अभिलेख जो बनाया गया, यह हमारे कार्यालय से अभिलेख जारी नहीं किया गया, इस प्रकार का जो अभिलेख बनाया गया वो फर्जी है। तो पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन कार्यपाल एंटी श्री द्विवेदी मनोज कुमार द्विवेदी कार्यपाल एंटी जो वर्तमान में रीवा में कार्यपाल एंटी के पद पर वर्तमान में पदस्थ हैं और उनके पास दो विभागों का चार्ज भी है, अधीक्षण एंट्री भी है और साथ में कार्यपाल एंटी वर्तमान रीवा में, उनके द्वारा तत्कालीन सपना में रहते हुए रामपुर बगलान की कई रोडों की रॉयल्टी की राशि थी, जो रॉयल्टी की राशि का फर्जी दस्तावेज बना के उनके और संविदाकार के द्वारा कूट रचित बना के दस्तावेज वो राशि निकाल ली गई थी, जो लगभग राशि 3.5 करोड़ की थी। जिस संबंध में हमने शिकायत की डीआईजी रीवा से, डीआईजी रीवा जी ने, पुलिस उप महानिरीक्षक साहब ने भी पत्राचार किया है, जांच के लिए उन्होंने पत्र शासन को लिखे हैं। साथ में माननीय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा जी ने इस संदर्भ में जांच के कलेक्टर रीवा कलेक्टर सतना को पत्र भेजे हैं। कलेक्टर रीवा मैडम महोदय ने एक पत्र जारी किया है कलेक्टर सतना को, उस पत्र में उन्होंने कहा कि जो भी रॉयल्टी की राशि है, ये रॉयल्टी की राशि इतनी इतनी है, जो रॉयल्टी की राशि जमा कराई जाए। खनिज विभाग ने रॉयल्टी की राशि के लिए पत्राचार किया है कि हमारी रॉयल्टी की राशि जमा कराई जाए, जो विभाग की रॉयल्टी की राशि बनती है जो आज दिनांक तक जमा नहीं की गई है, और सतना के कार्यपालयंत्री वर्तमान कार्यपालयंत्री को बचाने के कुछ योजना बना रहे हैं, जो पहले रॉयल्टी राशि 3.5 करोड़ की थी उसको भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत भी हो रहा। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जो समय पर उपलब्ध नहीं करा। इस संदर्भ में माननीय सांसद सतना आदरणीय श्री गणेश सिंह जी ने भी पत्राचार किया है, उन्होंने प्रमुख सचिव पीएस को भी पत्र लिखा है, जिसके जांच के संभवतः हमारे पत्र में गणेश सिंह जी ने व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में प्रकरण को संज्ञान लिया है और पत्राचार किया है, और इस संदर्भ में रीवा कमिश्नर महोदय ने जांच के निर्देश दिए हैं। डीआईजी रीवा जी को हमने पत्र दिया था, उन्होंने जांच के निर्देश दे दिए हैं, इसमें प्रकरण की जांच प्रारंभ भी हो गई है। इस संदर्भ में हमने रीवा संभाग महोदय को, ये कमिश्नर साहब को हमने पत्र लिखा था, जिस संदर्भ में उन्होंने जांच के आदेश दिए गए किए गए। उन्होंने कोई समय सीमा निर्धारित पर जांच के लिए उन्होंने निर्देश कलेक्टर सपना को पत्र भेजा गया है। कलेक्टर रीवा मैडम ने तो लिखा है, पत्राचार किया है सपना कलेक्टर को और उनसे अनुरोध इस आशय का किया है कि जो रॉयल्टी की राशि है वो जमा कराई जाए। एज ए कलेक्टर खनिज विभाग की चेयरमैन होती हैं, तो खनिज विभाग के माध्यम से उन्होंने पत्राचार जो पत्रावली बढ़ी थी उसके माध्यम से हमारे प्रकरण संज्ञान में आया है और ये पत्र सपना पहुंच भी गया है, और डीआईजी महोदय रीवा जी ने भी इसके जांच, और हमने उनसे एफआईआर की मांग की है कि संबंधित व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति उसकी जांच कराए, इनके खिलाफ एफआईआर करिए। तो हम चाह रहे हैं कि जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं, खनिज विभाग का बयान ले लिया जाए कि खनिज विभाग का जो पत्राचार बनाया गया है तो दो ही लोग बना सकते हैं, इसलिए कार्यपालयंत्री और ठेकेदार, तो दो व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम प्राथमिकी दर्ज हो, तो एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने अनुरोध किया है। डीआईजी साहब ने जांच के निर्देश दिए।